अगर आप बागेश्वर धाम दरबार नहीं पहुंच पा रहे हैं और घर बैठे अर्जी लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए सिर्फ मंगलवार को आपको अपने घर पर लाल वस्त्र में नारियल को बांधकर अर्जी को अपने पूजा स्थल पर रख देना है। इसके बाद ओम बागेश्वराय नमः की एक माला करें। अब अगर बागेश्वर बाबा की कृपा हुई तो आपकी अर्जी स्वीकार कर ली जाएगी। भक्तों, समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना और मेरे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट पर सच्चे भाव से लिख देना, जय श्री राधे कृष्णा, जय बागेश्वर धाम। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम स्वयंभू हनुमान जी की दिव्यता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। लोगों को यहाँ बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद दर्शन मात्र से ही मिल जाते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ बालाजी महाराज को अपनी समस्या बताने के लिए उन्हें एक अर्जी लगानी होगी। उसके माध्यम से ही बालाजी महाराज उनकी समस्या सुनेंगे। धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज फिर बालाजी की कृपा से लोगों को उनकी समस्या का हल बताते हैं। बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगती है? बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने की एक प्रक्रिया है। बागेश्वर धाम की इंटरनेट वेबसाइट की सूचना के हिसाब से जिसको भी बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लगवानी है, उसे धाम पर आकर रंगीन कपड़े में एक नारियल बांध कर धाम परिसर में रखना होता है। नारियल को बांधने वाले कपड़े के तीन रंग हो सकते हैं। आप लाल, पीले और काले कपड़े में नारियल को बांध सकते हैं। इन रंगों के अपने मायने हैं। अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधे, अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधे और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधे। घर बैठे लगाए अर्जी, ऐसा भी कई लोग हैं जो बागेश्वर धाम पर आकर कपड़े में एक नारियल बांधकर धाम परिसर में नहीं रखने आ सकते। उनके लिए खुद बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथाओं में उपाय सुझाया है। उन्होंने बताया है कि अगर आप धाम आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर में स्थित पूजा स्थल पर आप ऐसा कर सकते हैं। बागेश्वर बालाजी महाराज अर्जी को अवश्य सुनेंगे। बागेश्वर धाम में अर्जी स्वीकार होने पर मिलते हैं ये संकेत। जाने घर बैठे अर्जी लगाने की पूरी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम सरकार काफी मशहूर है। देश विदेश से लोग यहां बालाजी महाराज की कृपा पाने और दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ बालाजी महाराज आपकी हर तरह की समस्या को पल भर में दूर कर देते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार में अर्जी लगाएं बिना आप अपनी समस्याएं उन तक नहीं पहुंचा सकते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ जनता का भी यही मानना है कि अगर आपका भी कोई काम बिगड़ा हुआ है या कोई काम पूरा नहीं हो रहा तो आप यहाँ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। कई लोगों को बागेश्वर धाम सरकार के पास अपनी अर्जी तो लगानी है, लेकिन इन्हें यही नहीं पता है कि बागेश्वर धाम में किस तरह अर्जी लगाई जाती है। तो आइए आज इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि आप बागेश्वर धाम जाकर या घर बैठे ही किस तरह अपनी अर्जी लगा सकते हैं। बागेश्वर धाम में कैसे लगाएं अर्जी? बागेश्वर धाम में किसी भी व्यक्ति की अर्जी लगाने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। देश विदेश में किसी को भी बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लगवानी है तो उसे धाम पर आना होगा, जहां उन्हें कपड़े में एक नारियल बांधकर धाम परिसर में बांधना होगा। लेकिन नारियल बांधने के लिए तीन ही रंग के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तीनों रंग के कपड़ों का अपना अलग महत्व होता है। आप लाल, पीले और काले रंग के कपड़े में नारियल को बांध सकते हैं। अगर शादी विवाह से जुड़ी कोई समस्या है तो आप पीले रंग के कपड़े में नारियल बांध सकते हैं। वहीं अगर कोई सामान्य समस्या, परिवार से जुड़ी या अन्य परेशानी है तो आप लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर धाम परिसर में बांध सकते हैं। अगर आपकी अर्जी भूत, प्रेत जैसी बाधा से जुड़ी है तो आप काले कपड़े में नारियल बांधें। घर पर कैसे लगाएं अर्जी? कोई भी व्यक्ति बागेश्वर धाम के लिए घर बैठे अपनी अर्जी आसानी से लगा सकता है। घर पर सबसे पहले आपको एक लाल रंग के कपड़ा लेना है और उसमें एक नारियल लपेटना है। फिर एक कागज पर अपनी अर्जी लिखकर नारियल के साथ कपड़े में बांध दें। फिर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र की पूरी एक माला का जाप करना है।
जिस दिन से आप इसे बांधें, उस दिन से अपने घर में लहसुन प्याज बनाना और खान छोड़ दें, जब तक आपकी अर्जी न लग जाए। अब इस नारियल को अपने पूजा घर में रख दें और जब कभी बागेश्वर धाम जाने का मौका मिले वहां जाकर इस नारियल को बांध दें। लेकिन ध्यान रहे, जो व्यक्ति अर्जी बांध रहा है तो वो पूरे 4 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। अर्जी स्वीकार हुई या नहीं कैसे लगाएं पता? बागेश्वर धाम की अर्जी बांधने के बाद अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठने लगते हैं कि अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं, इस बात का पता कैसे लगाएं? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है तो आपको सपने में बंदर नजर आने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ एक दिन सपने में बंदर दिखाई दें तो अर्जी स्वीकार होने का संकेत। अगर अर्जी स्वीकार न हो तो क्या करें? बागेश्वर धाम की अर्जी लगाने के बाद भी अगर ज्यादा दिनों तक अर्जी स्वीकार न हो तो आप ऊपर बताई गई प्रक्रिया को दोबारा सच्चे मन से दोहराएं। 2-3 बार यह विधि दोहराइए। अगर मन में विश्वास है तो आपको जल्द ही टोकन मिल जाएगा, अन्यथा आपके आसपास कहीं भी दरबार लगने पर बालाजी खुद आपको बुलाकर आपकी अर्जी स्वीकार कर लेंगे। जय श्री राम। किस्मत नहीं दे रही साथ और बिगड़ रहा हर काम, तो मंगलवार के दिन करें ये आसान उपाय। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन किए पूजा पाठ और व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे दुख दर्द व संकटों को दूर कर देते हैं। ज्योतिष में भी मंगलवार के दिन को पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के साथ कुछ उपायों को करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। इन खास उपायों से आप हनुमान जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। जानते हैं मंगलवार से जुड़े उपायों के बारे में। मंगलवार के दिन सुबह स्नानादि के बाद हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान जी को छोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं। आर्थिक संकट से छुटकारा के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाएं। अगर ये चीजें बंदरों को खिलाना संभव न हो तो आप किसी गरीब या जरूरतमंद को इन चीजों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को 11 मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। घर पर कोई छोटा बच्चा है और वह खूब रोता है तो मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख बच्चे के बिस्तर के नीचे लगा दें। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ चुपड़कर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे से 7 बार वार कर भैंस को खिला दें। इससे बुरे नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है। अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।